नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। अगले आधे घंटे में मैं आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिलेगी। बाजार में देखा काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, बेहतर शुरुआत, तेज मुनाफा वसूली, फिर लोअर लेवल से देखिए अच्छी रिकवरी देखने को मिली निफ्टी में। वापस निफ्टी कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रहा, 50 अंकों की मजबूती, 8150 के ऊपर वापस से कारोबार कर रहा। अच्छी मजबूती कम से कम लोअर लेवल से देख सकते हैं कि रिकवरी देखने को मिल रही, करीब 0.5% से ज्यादा की मजबूती है। अगले आधे घंटे में कई सारे सेक्टर्स होंगे जिस पर हम खास तौर पर चर्चा करेंगे। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स पर आप चर्चा करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे जिसमें कल भी हमने चर्चा की थी और ये सब जानने की कोशिश की थी, क्या ये कुछ एक ऐसे स्टॉक जिसमें लगातार बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली 20% 30%, क्या इन शेयरों में खरीदारी के मौके हैं। और ऐसे ही स्टॉक्स पर भी आज चर्चा करेंगे, वो स्टॉक जो कल जीरो थे और आज हीरो हैं। शुरुआत ऐसे स्टॉक्स के साथ ही करते हैं जो कल जीरो थे और आज हीरो हैं। कैनफिन होम्स देखिए अच्छी मजबूती, कल जोरदार गिरावट शेयर में देखने को मिली थी, 20% तक का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा था, आज 15% की एक शानदार मजबूती देखने को मिली है। जेएम फाइनेंशियल एक मजबूती, कल भी भारी गिरावट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस लगातार गिरावट था शेयर में बीते कई सत्रों से, लेकिन अब एक संभलने की कोशिश कर रहा है, करीब 4% की मजबूती देखने को मिली। चोला इन्वेस्ट इस शेयर ने बीते एक हफ्ते में काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया और बजाज फाइनेंस बेहतर नतीजे देने वाली कंपनी, लगातार एक बड़ी तेजी, लेकिन अब देखिए बीते 2-3 दिनों बड़ी गिरावट, आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इन तमाम स्टॉक्स पर बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए मानस जायसवाल भी जुड़ चुके हैं। मानस, जिस तरह से हमने देखा कि जिन स्टॉक्स की मैं चर्चा कर रहा हूं बीते 1-1.5 हफ्तों में इन शेयर में बहुत बड़ी गिरावट थी, लेकिन आज देखिए ये तमाम स्टॉक, चाहे कैनफिन होम एक अच्छी मजबूती, करीब 14-15% की मजबूती दिखा रहा है, जेएम फाइनेंशियल में एक अच्छी मजबूती, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में मजबूती, क्या राय होगी जिन शेयरों में हम आज रिकवरी देख रहे हो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि इन शेयरों में एक बार के लिए खरीदारी करनी चाहिए या प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाए? मानस, देखिए मैं समझता हूँ कि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाए, अगर आपका नज़रिया 12 से 15 मंथ का है तब तो आप बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 25-30% मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की बात करें तो ज़्यादातर स्टॉक्स के शॉर्ट टर्म चार्ट्स हैं वो ख़राब लगते हैं और ऐसा लगता है कि शायद यहां से भी 5-10% का कट देखने को मिल सकता है। इसलिए ट्रेडर अगर आप हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एटलीस्ट 25% अपना फंड यहां पर आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर आप मानते हैं कि कैनफिन होम, जेएम फाइनेंशियल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, चोला इन्वेस्ट और बजाज फाइनेंस, मैंने 5 स्टॉक्स की बात की है, इसमें से कोई शेयर आपको पसंद है क्या यहाँ खरीदारी करने के लिए? देखिए लॉन्ग टर्म की अगर बात करिए तो मैं समझता हूँ कि कैनफिन होम्स एक ऐसा स्टॉक है जहां पर लंबे नजरिए से, अगर आपका नजरिया 12 से 15 मंथ का है तो आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो अभी भी अच्छे लगते हैं। जो हमने क्रैक देखा है वो अगर आप देखिए तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे केवल एक करेक्शन दिखता है और पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 1200 से नीचे आपको देखने को ना मिले, तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी अच्छे लगते हैं और आप उम्मीद कर सकते हैं कि वापस हमें 1800 से लेकर 2000 तक के स्तर लंबी अवधि में देखने को मिलेंगे कैनफिन होम्स में। तो कैनफिन होम्स गिरावट का फायदा, खरीदारी गिरावट आई है, खरीदारी का फायदा उठा, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। कुछ और स्टॉक्स देखिए जहाँ आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है, कोलते पाटिल, भारत फाइनेंशियल, श्रीराम सिटी यूनियन जैसे स्टॉक्स है, पेनिसुला लैंड, एशियन गेनेटो जैसे स्टॉक्स है जो वापस संभलते हुए दिखे हैं। खासतौर पर देखिए भारत फाइनेंशियल, जो माइक्रो फाइनेंस से जुड़े स्टॉक्स हैं, वहाँ हमने देखा था बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों में। मानस, क्या आपको लगता है कि भारत फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स में एक बार के लिए खरीदारी करनी चाहिए, अब बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और एक पुलबैक में कहीं ना कहीं कुछ मुनाफा हो सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि भारत फाइनेंशियल में अभी निवेश करना चाहिए। देखिए दिक्कत यह है कि हमने एक बड़ी रैली 100 रुपए से 900 रुपए तक देखी, उसके बाद अब जब गिरावट देखने को मिली है तो उस गिरावट में स्टॉक ने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, उसके नीचे फिसल गया है और जब तक कि 750 के लेवल्स वापस उसके ऊपर 750 के ऊपर नहीं जाता है, मैं समझता हूँ कि हर उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। ट्रेंड बहुत ही क्लियरली वीक दिखता है और ऐसा लगता है कि हमें 600 या 550 तक के स्तर देखने को मिलेंगे भारत फाइनेंशियल में, बिल्कुल अवॉइड करें। बेहतर ये रहेगा कि उछाल, अगर जैसे आज हमें उछाल देखने को मिला है वहां पर अपना लॉन्ग पोजिशन थोड़ा हल्का कर ले तो बेहतर रहेगा। तो सीधे तौर पे भारत फाइनेंशियल में जो बिकवाली करने के इनफ्लेक्ट सलाह दे रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ से गिरावट और देखने को मिल सकती है, तेजी पे मुनाफा वसूल कीजिए, एक बार के लिए निकल जाए। लेकिन कैनफिन होम एक शेयर होगा जो उनको पसंद हो है, उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। सरकारी बैंकों में देखिए बीते अगर एक हफ्ते का ट्रेंड देखिए, अगर सरकारी बैंक
इस तेजी में अगर सरकारी बैंकों का तेजी नहीं आती यहाँ से तो हम देखते कि बाजार में और गिरावट देखने को मिलती। और अब पॉजिटिव खबर भी लगातार है कि जिस तरह से हो सकता है कि RBI की तरफ से ब्याज दरों में 4.5% की और कटौती होने की गुंजाइश देखी जा सकती है, ये फाइनेंस मिनिस्टर के सोर्स के हवाले से खबर आ रही है। तो ये खबर भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक पॉजिटिव है सरकारी बैंकों के लिए। हमने देखा कि बीते 4-5 दिनों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, जिस तरह से 500,000 के नोट जमा हो रहे हैं, माना जा रहा है कि कासा रेशियो में सुधार देखने को मिल सकता है। आपको लगता है कि सरकारी बैंकों में एग्रेसिव बाइंग करनी चाहिए और यहां से शॉर्ट टर्म में अगले 10 से 15 दिनों में एक ठीक ठाक मुनाफा देखने को मिल सकता है? देखिए, इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि हमें आने वाले टाइम में PSU बैंकिंग में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और जिस तरह के चार्ट डेवलप हुए हैं पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में, ऐसा लगता है कि अगर आप सिलेक्टिव होकर बाइंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली 6-8 मंथ्स में अच्छे अच्छे मुनाफे देखने को मिलेंगे। आप ट्रेडर हैं तो मैं समझता हूँ कि इंडियन बैंक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था कुछ टाइम पहले और अब कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से भी एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा, 275-280 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरी खरीदारी करने की सलाह है और अपने स्टॉप लॉसेस 240 के नीचे रखें। अगर आप निवेश करते हैं तो सबसे बेहतरीन चार्ट अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं, जहाँ पर अगर आपका टाइम फ्रेम 12 से 15 मंथ का है तो आप 15 से 20% के रिटर्न की बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। सीधे तौर पर ये देखिए, 2 हफ्तों में इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत कम, ऐसे स्टॉक्स है जिसमें अब ट्रेंड देखने को मिला, मजबूती देखने को मिला। सरकारी बैंकों में आपने इंडियन बैंक और SBI की बात की, क्या प्राइवेट बैंक में कोई शेयर आपको पसंद है? क्योंकि हमने देखा है कि प्राइवेट बैंक उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे और उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है, तो 1 या 2 शेयर प्राइवेट सेक्टर से जो आपको लगता है कि एक पुलबैक के लिए ट्रेडिंग के मौके हैं अगले 10 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिहाज से? देखिए, बहुत क्लियर अगर आप बात करिए तो प्राइवेट बैंकिंग इस टाइम ट्रेडिंग या निवेश के लिए सही नहीं है। ज़्यादातर प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स चार्ट पे वीक लग रहे हैं, स्पेशली इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, इवन ICICI बैंक में जिस तरह गिरावट देखने को मिली है आप और कट की उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरी राय में तो मैं प्रेफर करूंगा शॉर्ट कॉल लेने के लिए। मैं इंडसइंड बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसने 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट अभी और बढ़ेगी, 1,000 रुपये तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी राय में यहाँ पर एक सेल कॉल लेना चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 1120 के ऊपर रखने चाहिए। तो इंडसइंड बैंक में बिकवाली करके चलिए, शेयर में अभी और गिरावट देखने को मिल सकता है। अभी भी शेयर देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है, तो एक शेयर होगा प्राइवेट बैंक में जिसमें बिकवाली की जाए। इंडसइंड बैंक में दबाव मान रहे हैं मानस, लेकिन 2 बैंक खरीदारी करने सलाह दे रहे हैं, वो इंडियन बैंक और उनको लगता है कि SBI में खरीदारी कीजिए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। एक सेक्टर छोटे में देखिए, टायर शेयरों में देखिए आज वापस से थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है। बीते 2 महीनों में देखें इन शेयरों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब बहुत तेजी से गिरे हैं। TVS, श्री चक्रा, अपोलो टायर, CEAT जैसे स्टॉक्स में आज खरीदारी देखने को मिली। क्या इस खरीदारी पे आप प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे या जिनके आसपास है, जिनके पास है वो होल्ड करें और चाहें तो एवरेज कर सकते हैं? एवरेज के लिए कौन सा शेयर पसंद करेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब क्षेत्र में सेलेक्टिव होना बेहतर रहेगा। शायद आपको आने वाले टाइम में सारे टायर सेक्टर चलते, सारे टायर स्टॉक्स चलते हुए ना देखने को मिले। अगर आप अपोलो टायर्स के चार्ट देखिए तो अभी भी शॉर्ट टर्म चार्ट्स वीक लगते हैं और शायद यहाँ पर अभी हमें और गिरावट देखने को मिलेगी। बट CEAT एक ऐसे स्टॉक है जो चार्ट पे काफी बेहतरीन लगता है। जब भी गिरावट होती है तो 50 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास आके स्टॉक सपोर्ट ले लेता है। पैटर्न काफी स्ट्रांग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1350-1360 के जो रेजिस्टेंस है जल्दी स्टॉक वो ब्रेक करके 1420 और 1450 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल मेरी खरीदारी की राय है और मैं समझता हूँ कि अपने स्टॉप लॉसेस 1180 के नीचे रखें। तो CEAT में खरीदारी कीजिए, 1180 का स्टॉपस लगाइए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। बीते 3 सत्रों से देखिए शेयर में लगातार गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला था, लेकिन अब एक पुलबैक देखने को मिल सकता है और वापस शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिसपे CEAT में खरीदारी करने की सलाह मानस के हिसाब से, उनको लगता है कि 1420-1430 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। निफ्टी देखिए वापस एक शानदार कभी दिखाता हुआ करीब 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, करीब 61 अंकों की तेजी के साथ एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। ऐसे में कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हमने देखा कि बीते कई दिनों में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, लेकिन अभी भी उन शेयरों के वैल्यूएशंस बेहतर हैं, खरीदारी के मौके हैं। और ऐसे ही स्टॉक्स लेके अंचल में साथ जुड़े हैं। अंचल, समान तौर पर आप निवेश के कुछ एक ऐसे स्टॉक्स बताते हैं रोज सुबह 10-10 के आसपास जिसमें कि एक छोटे मॉडल शेयर होते हैं, लेकिन आज आपने ऐसे 5 शेयर निकाले हैं, मैं आपसे एक साथ 5 शेयर पूछूंगा भी नहीं। 2 शेयर ऐसे बताइए जिसमें लगता है कि बहुत गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये मौका इन शेयरों में खरीदारी का है, यहां से एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल शुक्रिया मनीष। देखिए शुरुआत हम मैं टायर स्पेस ही करूंगा, आप अभी टायर स्पेस की बात कर रहे थे। टायर स्पेस में एक शेयर है जेके टायर्स का। सबसे पहले तो देखिए शेयर में करेक्शन आ चुकी है, करीब 24% नीचे गिर चुका है अपने 52-week हाई से, लेकिन अभी भी जो कंपनी की मार्केट कैप है, कंपनी के जो मार्केट शेयर है टायर कारोबार में काफ़ी अच्छा है। टायर सेक्टर में एक दिग्गज कंपनियों में से एक मानी जाती है, लेकिन असली प्राइम जो कारण है इसको पिक करने का वो इसके वैल्यूएशन है। कंपनी की कैश EPS मनीष 25 के ऊपर की है, यानी 25 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा की कंपनी के पास कैश है। वहीं दूसरी ओर इसके मल्टीपल्स देखिए, शेयर का मल्टीपल 6.5 का है, तो वहीं सेक्टर 10.5 के मल्टीपल से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टीम अभी शेयर में बाकी है, वो अपने पीयर्स को कम जो गैप है पीयर्स के मुकाबले वो पूरी करता हुआ दिखेगा। तो जेके टायर्स फंडामेंटली एक साउंड कंपनी है, अच्छा कारोबार है और वैल्यूएशन अब बेहद आकर्षक हो गए हैं। दूसरी ओर ABB देखिए, नॉर्मली इस कंपनी के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन कैपिटल गुड स्पेस में काफ़ी साउंड कंपनी है। एक अच्छी कंपनी की ऑर्डर बुक है, करीब 9,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और मार्केट कैप 4,000 करोड़ के करीब है, यानी अगले 2 साल के लिए एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है शेयर के पास। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। फंडामेंटली काफ़ी साउंड है, प्रमोटर्स काफ़ी साउंड है कंपनी के, और वैल्यूएशन अब आकर्षक हो गई है। शेयर की कैश EPS करीब 22 रुपये की है, तो वहीं सेक्टर के मुकाबले शेयर अभी भी बेहद सस्ते दरों पर। नॉर्मली जो कैपिटल गुड स्पेस है वो 45 के करीब के PE पे ट्रेड करता है, शेयर अभी भी 30 के PE के आसपास है। तो यहाँ से ABB एक और शेयर है जो बेहतरीन रिटर्न देता हुआ दिख सकता है, एक अच्छी पिक हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो सीधे तौर पे दो स्टॉक जहाँ पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है जो पसंद है अंचल को, जेके टायर एक शेयर होगा, उसके अलावा उनको लगता है ABB। दो ऐसे स्टॉक्स है जो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं और यहाँ से एक पुलबैक की गुंजाइश देखी जा सकती है, मजबूती देखने को मिल सकती है। आज चंदन माना समीन स्टॉक्स पर भी चर्चा अंचल से और भी चर्चा करेंगे। अंचल 3 स्टॉक्स और आपसे हम जानने की कोशिश जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सेक्टर देखिए जहाँ पर आज के ट्रेड में थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। सीमेंट शेयर में देखिए मानस काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, खासतौर पर अल्ट्राटेक सीमेंट, हेडलबर्ग सीमेंट, मंगलम सीमेंट, प्रीम सीमेंट, कोई लार्ज कैप या स्मॉल कैप नहीं, पूरे सेक्टर सीमेंट में ही देखिए कुछ एक लार्ज कैप स्टॉक्स में तेजी है, कुछ मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। सीमेंट स्टॉक्स में जो ये पुलबैक देखने को मिल रहा है, क्या इस पुलबैक पर आप भरोसा करेंगे या आपको लगता है कि नहीं अभी भी डाउनसाइड बचा हुआ है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये सही समय है सीमेंट काउंटर्स में ट्रेडिंग करने का या तो निवेश करने का लॉन्ग साइड पे, क्योंकि चार्ट्स अभी भी ख़राब लगते हैं। ज़्यादातर सीमेंट स्टॉक्स ने अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज ब्रेक किए हैं, उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और शायद ये जो गिरावट है ये आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगी। तो मेरी राय में तो सीमेंट काउंटर से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर हमें एक ट्रेडिंग कॉल लेना हो तो मैं प्रेफर करूंगा इंडिया सीमेंट को शॉर्ट करना, ना कि खरीदारी करना, क्योंकि स्टॉक ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल लें, अपने स्टॉप लॉसेस 122 रुपये के ऊपर लगाएं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर 105-107 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल इस क्षेत्र से दूर रहना चाहिए। और अगर कोई ऐसे आज के जैसे कुछ स्टॉक्स में उछाल मिला भी है तो वहाँ पर लॉन्ग से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो इंडिया सीमेंट एक शेयर होगा जिसमें कि बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं मानस, उनको लगता है कि यहाँ से दबाव देखने को मिल सकता है। बीते 3-4 दिनों से देखिए लगातार शेयर में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और अभी भी देखिए बीते इनफैक्ट 2 हफ्तों में शेयर में करीब 20% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। हालांकि आज जो है गिरावट थोड़ी थमती भी दिखी, लेकिन बाकी स्टॉक सीमेंट में जहाँ रिकवर हो रहे हैं, इंडिया सीमेंट में दबाव देखने को मिल रहा अभी भी, और मानस को लगता है कि यहाँ बिकवाली करके आप चल सकते हैं। तो अब तक टॉप 50 शेयर्स पर हमने कई सारे शेयर पर चर्चा की है, अलग अलग सेक्टर्स को जानने की कोशिश की जिसमें कि खरीदारी और बिकवाली के मौके देखे जा सकते हैं। अंचल ने आपको 2 स्टॉक्स बताए हैं जिसमें कि आप निवेश कर सकते हैं और निश्चिंत रहेंगे, बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। अंचल 3 शेयर और आपको बताएंगे और कुछ एक ऐसे सेक्टर और आपको बताएंगे जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और उम्मीद है कि वहां पे कमाई के मौके मिल सकते हैं।